भाई बताओ, इसे गांव में गाय भैंस जो गोबर करती है और आदमी जो करते हैं उसी में खाद डालते हैं ना खेतों में? आदमी का तो नहीं डालते, आदमी भी खेतों में करके आता है। तुम अपनी तो नहीं डाल देते थे कपिल, इसलिए हमारे प्लांट्स नहीं चल रहे थे। नहीं, मैं तो अपने गांव में खेतों में करता था ना, मैं जाके खाद देना। ये मैंने मेरे प्लांट से तोड़ा है, थोड़ा सा कम है बट इट्स ओके, आई थिंक वी विल मैनेज। इस बार चलेंगे पेड़ पक्का, एकदम अच्छा पेड़। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही तेरा और तुम्हारा भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगली बार तुमको दिखाऊंगी खुद ही। व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि देख, ये प्रॉमिस कर दिया था, है ना? हाँ, ये गोबर हो गया सब? गोबर है वो? अरे भाई देखो, मिट्टी है, गोबर ही है ना? मिट्टी है वो, खाद डालोगे तुम इसमें? खाद है क्या? लाया थोड़ी सा, सब में डाल देना अलग अलग खाद। पता है गाँव में जो पोटी करते हैं ना, उसी के खाद डालते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? भाई बताओ, इसे गाँव में गाय भैंस जो गोबर करती हैं और आदमी जो करते हैं उसी के खाद डालते हैं ना खेतों में? आदमी का तो नहीं डालते, आदमी भी खेतों में करके आता है। तुम अपनी तो नहीं डाल देते थे कपिल, इसलिए हमारे प्लांट्स नहीं चल रहे थे। नहीं, मैं तो अपने गांव में खेतों में करता था ना, मैं जाके खाद देना। तो तुम यहाँ पे भी ऐसे करते थे खुले में, इसलिए पेड़ नहीं चल रहे? नहीं नहीं, यहाँ पे इसलिए नहीं चले ना, अगर वो डल जाता तो चल जाते। तो तुम कल से यहीं पर कर लिया? सब में डाल दो थोड़ा थोड़ा, इसमें भी। और अरे वो ठीक करोगे क्या? देखो सुरभि उसे ठीक कराएगा, वो अंडा मंडा सा हो रहा है ना मेरे पेट। अच्छा पेड़ है यार वो, इस सोल फूड चावल और घी आलू की सब्जी। हाय गाइस, तो आज फाइनली वो दिन है जब मैं अपना ही उगाया हुआ धनिया जो है अपने ही एक डिश में डालने वाली हूँ। मैंने मटन बनाया है और मेरे पास घर पे धनिया नहीं है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम माय धनिया प्लांट। और देखो, कम कैमरा जूम करो, ये धनिया इतना हो चुका है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है एक दिन के लिए। सो लेट मी डू दिस, मैं एक सीजर लेकर आई हूँ और इससे जो है मैं धनिया के छोटे छोटे स्टेम्स काटूंगी, पत्ते। अभी इसको ग्रो होना और बहुत रहता है, लेकिन जितना हम इसको काटते जाएंगे उतना ही और अच्छे से ग्रो होगा, ऐसा मैंने सुना है। सो या कैसे काटते हैं? ऐसा बहुत सारा निकाले होंगे। और ये मेरे पुदीना प्लांट देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा से आज जो है खिल चुका है। पुदीने के पत्ते आज मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं चटनी बनाऊंगी उस दिन मैं पुदीना ज़रूर यूज़ करूँगी, डेफिनेटली। आई विल शो यू दैट गाइस। इतना धनिया मेरे पास हुआ है, ये मैंने मेरे प्लांट से तोड़ा है, थोड़ा सा कम है बट इट्स ओके, आई थिंक वी विल मैनेज। बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि ये धनिया जो कि आज मैं अपने खाने में डालने वाली हूँ, मैंने खुद अपने इन हाथों से उगाया है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग ऑनेस्टली। जिस दिन मैंने ये धनिया और पुदीना लगाया था ना, उस दिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बिल्कुल एक्चुअली में ग्रो होगा कि नहीं, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इट्स ओके, इट्स फाइन। बट आई कांट बिलीव इट्स बीन व्हाट, आई थिंक वन मंथ के बाद, एक्चुअली यार लेस देन वन मंथ में मुझको इतना धनिया मिल चुका है कि मैं एटलीस्ट अपनी फर्स्ट डिश में आज डाल सकती हूँ। नाउ दैट दिस हैज हैपेंड, अभी धनिया भी हो चुका है, पुदीना भी इतना अच्छे से हो चुका है, अभी मुझे ना मोटिवेशन मिल गई है कि मैं अब इसके बाद और क्या होगा। सो मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट जो लगाना चाहती हूँ वो है हरी मिर्ची, ग्रीन चिलीज, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू पुट मेथी, मेथी सीड से मतलब मेथी लीव्स बन के आएंगे, सो दैट विल बी ग्रेट। और मैं बेजिल लगाना चाहती हूँ, मैं चेरी टमाटोज लगाना चाहती हूँ, सो लेट्स सी, आई विल डिसाइड कि मेरे पास कितने पॉट्स अवेलेबल हैं, मैं ज़्यादा उस पर खर्चा अगेन नहीं करना चाहती हूँ। सो
अकॉर्डिंग टू माई बजट, अकॉर्डिंग टू माई अवेलेबिलिटी ऑफ पॉट्स एंड अकॉर्डिंग टू माई मूड आई विल डिसाइड कि मैं नेक्स्ट क्या लगाऊंगी. आई विल ऑब्वियसली कीप यू अपडेटेड. सो या फॉर नाउ आई एम वेरी हैप्पी, इतना धनिया मुझे मिल गया है. आज मैं मटन में डालूंगी और मैं आपको मटन की रेसिपी तो बाद में बताऊंगी, लेकिन मटन डिश ये धनिया डालते हुए दिखाऊंगी. एंड आई थिंक यू लव इट बिकॉज़ आई लव इट. गाइस, ये मेरा मटन है जो मैंने बनाया है. आज मैंने बोनलेस बनाया है फॉर अ चेंज, बिकॉज हमें ये रोटी के साथ खाना है. एंड दिस इज माई धनिया. कम है बट कोई बात नहीं यार, अपने हाथ से उगाया हुआ धनिया है, चल जाएगा. आई एम गोइंग टू पुट दिस. ये मैंने धो के काट लिया है. ओह गॉड, दिस इज श्योर हैप्पीनेस. मतलब आप लोगों को लगेगा कि क्या यार, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, धनिया ही तो उगाया है, धनिया पुदीना उगाने में कौन सी बड़ी बात है. लेकिन मेरे लिए ये पर्सनली बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मैंने आज से पहले कभी कुछ नहीं उगाया और ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कुछ गार्डनिंग करी है और धनिया पुदीना उगाया है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई. और अब हम इसको ऐसे मिक्स कर देंगे. व्हाट डू यू थिंक, कैसा लग रहा है मेरा मटन? मुझे लग रहा है धनिया से इसका टेस्ट और बेटर हो जाएगा. वाओ, गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग. आज संडे का दिन है, हम लोग घर पर ही हैं, कपिल और मैं दोनों घर पर हैं. एंड वी डिसाइडेड टू हैव मटन फॉर डिनर. तो अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं है, लेकिन मैंने मटन ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया है, बिकॉज आई थॉट आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री ड्यूरिंग द इवनिंग, यू नो. आई ऑल्सो हैव एन ऑडिशन टूडे, मेरे को एक ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, तो मैं उसके लिए अभी तैयार होने वाली हूँ. I've just made myself a good cup of coffee. I love getting ready with a cup of coffee. मतलब मुझे लगता है मेरी skin से ज़्यादा मैं खुद prepare हो जाती हूँ. As I have a cup of coffee, मैं अपने character के बारे में थोड़ा सोचती हूँ, मैं अच्छे से अपना makeup लगाती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत therapeutic time होता है. I love doing this. Sitting here, ज़मीन पे बैठ के mirror के सामने. अभी तो मैं आपको इस साइड को दिख रही हूँ और पीछे भी दिख रही हूँ, बिकॉज मिरर पीछे है, बट जनरली मैं उधर को कर रही होती हूँ, बट लाइट यहाँ से है इसीलिए मैं ब्लॉग अभी यहाँ से बना रही हूँ. सो यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने ऑडिशन से पहले तैयार होते वक्त एक अच्छी कप कॉफ़ी का पीती हूँ. एंड आई डू माई मेकअप, इसके बाद मैं ऑडिशन करूँगी, देन आई विल गो टू द जिम. वापस आके आई विल मेक लच्छा पराठा फॉर डिनर विद मटन. पहले मैंने सोचा था कि मैं मटन की रेसिपी आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में, बट देन आई थॉट दैट्स अनदर ब्लॉग ऑल टुगेदर, एंड आई विल डेफिनेटली शो यू माई मटन रेसिपी एज वेल. मैं मटन थोड़ा पहाड़ी स्टाइल में, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल रेसिपी, बट थोड़ा पहाड़ी स्टाइल में बनाती हूँ. एंड आई लव मटन लाइक दैट. मतलब मैंने अपने घर पर इसी तरीके से मटन खाया है, एंड दैट इज माई फेवरेट काइंड ऑफ मटन. सो या आई एम गोइंग टू शो यू दैट रेसिपी. बस बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपने हाथ से धनिया उगाया हुआ जो था वो डाला है अपने मटन में. फील्स सो गुड. सो यस, मैं अब अपने फेस पे मेकअप लगाऊंगी. मैंने स्किन ऑलरेडी प्रेप कर ली है. आई हैव पुट सम मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माय मेकअप. मेकअप वीडियो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी कि मैं अपनी ऑडिशंस के लिए कैसे बेसिक मेकअप करती हूँ. इट्स जस्ट गोइंग टू बी वन शॉर्ट व्लॉग which will have my makeup tutorial. Not tutorial, I'm who am I to teach you guys, but sort of like a, this is my makeup, you know, these are my makeup skills. मुझे लगता है 6 साल बॉम्बे में रहने के बाद अब मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आ चुका है. सो या आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट अंटिल देन या आई विल टेक योर लीव, आई विल गेट रेडी. I'll show you how I look once I am ready. मुझे थोड़ा सा बालों पे भी कुछ करना पड़ेगा, because yeah I have two character changes in this audition. So yeah, see you on the other side. Just got done with my auditions. अभी अभी मेरे दोनों auditions खत्म हुए हैं. दोनों का look मैं इस video में attach कर दूंगी. Actually कर दिया होगा अभी तक तो video में.
सो यस, दोनों ऑडिशन मेरे अच्छे हुए, बट दिस इज वॉट लाइफ ऑफ एन एक्टर इज. मैंने मेकअप लगाया और बहुत प्यार से, बहुत मजे से मेकअप लगाया, यू नो. और मेकअप लगाने के जस्ट 5 से 10 मिनट बाद, जैसे ही मेरा ऑडिशन खत्म होता है, आई हैव टू टेक इट ऑफ. एवरी डे मेकअप लगाओ और उतारो, और लगाओ और उतारो. बाहर जाने के लिए मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ, लेकिन घर पे रहने के लिए मैं डेफिनेटली लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऑडिशंस करने होते हैं और ऑडिशंस करने के जस्ट बाद मेरे को उतारने का मन नहीं करता, बिकॉज अभी अभी तो लगाया है एंड आई एम लुकिंग सो प्रेटी. बट वॉट कैन आई डू, आई हैव टू टेक इट ऑफ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब मैं या तो रनिंग के लिए चले जाऊँ, नहीं तो जिम चले जाऊँ, और दोनों में से कुछ भी एक करके थोड़ा वर्कआउट कर लूँ. एंड मटन खाने से पहले थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लें, सो दैट हम मटन अच्छे से खा पाएं. व्हाट यू से? इट्स अ संडे एंड आई रियली डोंट फील लाइक गोइंग फॉर अ रन और टू द जिम. आज तो संडे यार, वर्कआउट की छुट्टी है, बट नहीं, आई हैव टू पुश माई सेल्फ और मुझे वर्कआउट करने जाना है, क्योंकि कल ही मेरी छुट्टी हो गई थी. सो आई विल डेफिनेटली गो टूडे. आई विल जस्ट गैदर सम स्ट्रेंथ टू गेट अप फ्रॉम दिस बेड नाउ, टेक ऑफ माई मेकअप, गेट इन टू माई वर्कआउट गेयर एंड गो फॉर अ रन और अ जिम, वॉट एवर, जस्ट सम वर्कआउट. ओके, सी यू ऑन द अदर साइड. पराठा, मटन और कांदा और खीरा. Yeah. Happy dinner.